सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज 14 दिसंबर, वर्कशीट नंबर 67, क्लास 9, सब्जेक्ट हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे लासा की ओर। इस पार्ट में लेखक ने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, अपनी यात्रा का वर्णन किया है, जो कि तिब्बत की ओर जा रहे हैं, लासा की ओर। तो इस पार्ट को आगे बढ़ते हैं, लेखक के साथ क्या क्या हुआ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको पुरानी वर्कशीट छूट गई हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे लेखक और आगे अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं तो उन्हें एक जान पहचान का कोई राहदारी मिल जाता है, जो कि लेखक ने उन्हें अपनी पहचान बता दी और वे फिर उसके बाद गांव, अंतिम गांव में पहुंच गए। अब यहां पर पहचान कैसे, ये राहदारी कौन है, क्योंकि उस गांव में सुमति जो कि लेखक का दोस्त है उसके परिचित लोग रहते थे। तो देखो, लेखक के परिचित थे इसलिए लेखक ने किसी को भेज दिया कि भाई मेरा ऐसा ऐसा दोस्त कोई आएगा, उसे लेने तुम पहुंच जाना। और इस पहचान की वजह से लेखक को अच्छी जगह ठहरने को मिल गया, खाना पीने मिल पानी मिल गया, अच्छी व्यवस्था हो गई, चाय पानी की अच्छी सेवा हो गई, है ना। तो देखो, कई बार ऐसे होता है कि पहचान से हमारे बहुत सारे काम बन जाते हैं। आपने भी अपनी पहचान से कई कोई काम बनाया होगा तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। तो देखो, 5 वर्ष बाद फिर से वो उसी रास्ते आए। अब इस समय पहले तो वो भिखारी के रूप में थे, फिर भी उन्हें अच्छी व्यवस्था हो गई, लेकिन अगली बार वो भिखारी नहीं बल्कि किसी भद्र बेस में, यानी कि बहुत ही पढ़े लिखे, कोट पैंट टाई स्टैंडर्ड बन के आए और घोड़े में सवार होके आए थे। फिर भी इन्हें किसी ने गांव में रहने ही नहीं दिया, जगह नहीं दी और इन्हें गरीब झोपड़ी, किसी झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ी। अब देखो, जान पहचान का कितना फर्क है कि पहले वो भिखारी बने थे फिर भी उन्हें जगह मिल गई, लेकिन दूसरी बार जब वो स्टैंडर्ड बन के आए थे फिर भी जगह नहीं मिली। तो सारा गेम किसका है, जान पहचान का। तो जितनी आपकी जान पहचान होगी उतने लोग आपके करीबी बन जाएंगे, है ना। तो दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमति और आगे बढ़ते हैं, धुंधला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत जो डांडा है वो बहुत खतरनाक जगह है। तो यहाँ पे लेखक को कुछ बैड एक्सपीरियंस भी मिला, कुछ गुड एक्सपीरियंस था उनका। तो कहीं हम जाते हैं घूमने फिरने, आपने पिकनिक मनाई होगी तो अपने पिकनिक में कुछ आपने बैड एक्सपीरियंस शेयर करने हैं और कुछ गुड एक्सपीरियंस अपने जरूर शेयर करने वीडियो के कमेंट में, जैसे कि लेखक ने आपके साथ किया। आगे देखो, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर आसपास में कोई गांव नहीं, और गांव नहीं है, छुपने के लिए डाकुओं को रास्ता अच्छा मौका मिल जाता है, है ना। और डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता, क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं था, है ना। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर छिपने का अच्छा रास्ता मिल गया, और जो डकैत है, चोर है, वो क्या करते, लोगों को सीधा मार देते, पकड़ा और मार दिया। उसके बाद वो चेक करते हैं कि इसके पास पैसे हैं या नहीं है। अब तक कितना गंदा करते हैं चोर, भैया पहले चेक कर लो, अब अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे मार के क्या फ़ायदा। लेकिन ये चोर हैं, डाकू हैं, अब इन्हें कहाँ अकल, है ना। तो ये पहले लोगों को मार देते और उसके बाद उनके पैसे चेक करते। यहाँ पे हथियार का कानून नहीं था, है ना, यानी कि हर कोई हथियार रख लेता था, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल, बंदूक, चाकू वगैरह रखते थे। तो ये है आज की वर्कशीट, जो कि यहाँ पर लेखक ने अपने घूमने फिरने का एक्सपीरियंस बताया है। काफ़ी सारे आपके भी दोस्त होंगे जो घूमते फिरते ज़्यादा होंगे, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो डर था यात्रियों में, हथियार का कानून नहीं था। तो चलिए, पहला सवाल है कि तिब्बत में उस समय हथियार का कानून नहीं था, जिसके कारण हर कोई इंसान चाकू बंदूक लिए घूमता। यात्रियों को कई तरह का डर था, जैसे चोर, डाकू, लुटेरे जब मर्जी जिस मर्जी को भी चाकू से, पिस्तौल से मार देते, डरा देते, उन्हें लूट लेते। इसके कारण इनका माल जान का भी खतरा बना होता था, कहीं से जान से मार देते, कई लोग लूट लेते थे। तो यहाँ पर खतरा बना हुआ किस चीज़ का, अपनी ज़िंदगी का खतरा है, साथ में माल का, सामान का खतरा है, चोर डाकुओं का खतरा है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल है कि लेखक के मित्र सुमति
ये लगभग हर गांव में परिचित मिले है ना, लगभग लोग जानने वाले मिले। इस आधार पर सुमति का व्यक्तित्व यानी कि सुमति किस टाइप का इंसान है, क्या लगा आपको? हर गांव में इसकी जान पहचान है, तो चलिए आंसर दिखा देता हूँ। तो देखो, जिसकी जान पहचान ज्यादा किसकी होती है, जो अच्छा इंसान होता है और उसी को लोग पसंद भी करते हैं। तो पाठ के अनुसार लेखक के मित्र सुमति के परिचित लगभग हर एक गांव में जरूर थे। इससे यह पता चला कि सुमति बहुत अच्छे इंसान होंगे, है ना। देखो, अच्छा इंसान होगा तो सब लोग परिचित हो जाते हैं, और अक्सर अगर अच्छे इंसान नहीं है तो लोग अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, क्लियर है ना। उनका स्वभाव मिलनसार था, सभी से मिलते जुलते रहे होंगे तभी तो लोग इनको जानते होंगे। वे सबकी मदद करने के लिए हो सकता है साथ में घुल मिल कर रहते होंगे। और खास बात यह है कि सुमति एक पंडित कर्म करते थे, यानी कि वो पंडिताई करते थे, जिसके कारण उनके जजमान हर एक गांव में थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे जान पहचान के होंगे। आप जब पढ़ाई करते हो तो जिस सेक्शन में आप पढ़ते हो, मुझे जरूर बताना आप किस सेक्शन में पढ़ते हो, और आपके जान पहचान के जो बच्चे हैं वो दूसरे किन किन सेक्शन में हैं, है ना। तो इसके कारण जितने सेक्शन में आपके ज्यादा दोस्त हैं, यानी कि आप उतने अच्छे इंसान हैं, उतना अच्छा आपका स्वभाव है, उतने अच्छे से आप मिलनसार हैं। तो मुझे जरूर बताना कमेंट में कि आपका सेक्शन कौन सा है और आपके दोस्त कौन कौन से सेक्शन में पढ़ते थे। तो चलिए तीसरा सवाल देख लो कि क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमक्कड़ी का शौक है, यानी कि घूमने फिरने का, उसके शौक से उसकी पढ़ाई या काम में क्या प्रभाव पड़ता होगा। चलिए देखो, मेरे अनुसार छात्र के कोई भी स्टूडेंट होगा वो घुमक्कड़ होगा तो उसे थोड़ा सा फायदा होगा, जैसे कि उसे हर जगह के परिवेश का, वहाँ की आर्थिक स्थिति का, भौगोलिक स्थिति का, राजनीतिक का ज्ञान उसे हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह जाता है तो वहाँ के कल्चर, वेशभूषा, आजकल सिक्किम का आपको पढ़ने को मिल रहा होगा तो सिक्किम का भी आप कल्चर जानेंगे। अगर सोचो आप सिक्किम में पहले गए हो तो आपको इजी रहेगा ये प्रोजेक्ट बनाने में, है ना। तो साथ ही देखो, छात्र के घुमक्कड़ होने से इसकी पढ़ाई में बहुत नुकसान होगा, घूमते रहने से पढ़ाई नहीं हो पाती है। अक्सर बच्चे हैं वो घूमते रहते हैं तो स्कूल नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई के वक्त उनके घूमने का और इधर उधर ही उनका मन लगा रहता है, एक घुमक्कड़ विद्यार्थी की सही तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो ये समझ में आ गया, अगर आप ज़्यादा घूमते फिरते हैं तो अपने इस नेचर को बदल लीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा असर करने वाला है। तो चौथा सवाल है कि उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, ऐसा क्यों? तो देखो, डाकुओं को ना पकड़ पाने का पहला कारण, वहां हथियार का कानून नहीं था, कोई भी हथियार रख लेता था, जिसके कारण डाकुओं के पास चाकू, पिस्तौल, बंदूक आदि हुआ करते थे। और दूसरा कारण, वहां छिपने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल जाता था, क्योंकि डांडा जो कि पहाड़ी इलाके में बसा है और पहाड़ों में छिपने का एक मौका डाकुओं को मिल जाता है। तो दो रीजन है, एक तो वहां पर हथियार उनके पास थे, हथियार का कानून नहीं था, दूसरा कि वो पहाड़ी इलाके यानी कि छिपने का उन्हें मौका मिल जाता था। अब एक एक्सपीरियंस आपको हुआ कि 5 वर्ष पहले की यात्रा, और इसी यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन आया? पहले 5 वर्ष पहले किया और 5 वर्ष बाद किया, तो दोनों में क्या अंतर था, तो वो लिखना है। तो देखिये, इस पाठ के अनुसार लेखक जब भिकमंग के वेश में थे, फिर भी उन्हें सुमति की अच्छी पहचान होने के कारण अच्छी जगह रहने को मिला। लेकिन 5 साल बाद जब वे लेखक बहुत अच्छे वेश में थे, कोट टाई पहन के, फिर भी उन्हें किसी ने अपने घर में शरण नहीं दी और उन्हें किसी गरीब झोपड़ी में रहना पड़ा, क्योंकि बाद में किसी ने उनसे जान पहचान नहीं लगा पाए और पहले उनकी जान पहचान सुमति के कारण बन गई। तो ये है आज की वर्कशीट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोई डाउट रहता तो मुझे कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।